मेरा नाम अंजना है और मेरे पति जी का नाम अरुण है। मेरी ननद है जिसका नाम अंजलि है। क्या बताऊं साथियों, मेरे पति जी दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी मेरी ननद ना जाने क्यों मुझे और मेरे पति के देखकर हमेशा जलती ही रहती है। मैं चल रही हूँ बैठ कर, मैं अपने पति जी का इंतजार करने। और भाभी माँ क्या समाचार है? भाभी माँ बढ़िया देवर जी। ये बताइए भाभी माँ, ये जो छोटा से मासूम बच्चे लियो गोद में भाभी माँ, ये बताइए भाभी माँ, इस बच्चे की तबीयत कैसी है भाभी माँ? देवर, इसकी तो तबीयत बहुत ही जोरों से खराब है मुन्ना। भाभी माँ, आप भाभी माँ चिंता मत करे भाभी माँ, आप बैठ के आराम करे भाभी माँ, मैं जाकर रहा हूँ, दवा लेके आता हूँ भाभी माँ। जब चाहिए बैठ के होटल ये पिए लाजे कौने में तू गुल्ला से निकल रहे आप करे ना, चाहिए बैठ के दुकानिया पिए रहे हैं, ये दुकानिया बैठ के चाय पी रहे थे। हाँ हाँ यार भैया, कौने मैं सोचा कि नेता चाय पी ले उसके बाद फिर आ जाएंगे। आ गए हो भैया? हाँ। अरे अरे के ससुरारी पहुंच गया रही यार। हाँ यार, तुम्हें याद है क्या मुलक पहले यार है तो कैसे रहा ने यार, अब देखा तो है एकदम बढ़िया वीआईपी बन गया है घर क्या। हाँ लेकिन हाँ भैया, कोई दिखाई पड़ रहा है? अब चलिए देखी, तब देखो पता लगाओ अंदर। के रहा हो? क्या है क्या है? लगती है कि मुझको नहीं पहचान लगती है। मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। अरे पगले हम का ना चिन्हत यहाँ, अरे पगले हम वही नेपान ही कि मेहमान है। हाँ यार, यहाँ तोहरे ऊन के मुहना मुन ले तो पगले आई यहाँ तोरे उन तोरे दीदी ननद के भतार। क्या बात है नेता? आई यार एक लड़की दिखान। लड़की? हाँ हाँ है, ठीक है मैं मुलाकात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। देवी जी मैं कहा नमस्ते। अरे देवी जी नमस्ते। लेकिन देवी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मुहने से कहा, मुहने से कहा। Thank you.
जैसे बोली, कितनी अच्छी लग रही है। तुम हो कौन और कहां से आ रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे हो आप? तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं पहचान रही हूँ। मैं आशापुर बलिया से आ रहा हूँ, मुझे पहचान नहीं रही हो? हाँ तो मेरी बात सुनो ना। चीन पावतिया था नहीं। पगली तोरे नंदूई जी आते काम न चलाई ली। ऐसा कहा जाता है? अरे गाली पड़ता है ना, गाली पड़ता और क्या? हम का पता है यार, ये तो मेरी बात नहीं मान रही है। बोलो क्या किया जाए? मारे लोग तुमको मैं नहर डडलू का रसगुन्ना खवाऊंगा। गुण गुण होता चला जाना, एक लात मारो ना, मुंह भर मारती खा गया। भैया लता ही खोली हुई गई है खा यार, ऐसा ना मानी। कहावत कहे भैया, सीधे उम्र से घी नहीं निखरा जब तक ओकर टेढ़ न करा। पकड़ ला साली को, देखता हूँ कौन बचाने आता है। ए हरामखोर, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने। कौन भगवान आई है? बुला लो, अपने भगवान को बुला लो, देखता हूँ कौन तुम्हारे मदद में आता है। राम भगवान बुला लो। भाई डंडे से दुखो पड़ी कोई भूल, सके क्या है बता दे।
सुनो मैं बता रहा हूँ तेरे घर का यही दस तो तेरे घर का यही दस तो ठंडे दिमाग से सोचो, कोई अपने ससुराल में जाएगा तो ऐसा गंदा काम कर सकता है? पहले बताओ कि तुम मेरे रिश्तेदार हो और रिश्ते में जीते भी लगते हो, लेकिन ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और यहाँ के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अपने विषय में थोड़ा सा करने के पहले सोचा था। देखो अनिल, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तुम अपनी भाभी से पूछ सकते हो। तो ठीक है, अर्पित कान खोल के सुन लो कि तुम यहीं पर खड़े रहो और मैं अपनी भाभी से पूछूंगा, और जब तक पूछ कर नहीं आऊंगा तब तक यहाँ से तुम्हें जाना नहीं है। ठीक है पूछ लो। पूछ ले भैया, कहावत कही बा भाई, पूछा दे भाई, कहावत कही बा मारे वीर मराए भर ही पेल भागे हुए। अरे भाभी, क्या बात है देवर जी, आखिर में क्या सुनाओ? और अर्पित राज जो कह रहा है क्या वो सच है? देवर जी ये झूठ बोला देवर जी आपसे। मैं भी जानता हूँ ये कमीना नीच है, लेकिन ओ यहाँ पर एक हफ्ते तक रहेगा, मैं यही कहूंगा भाभी कि उस कमीने से बच के रहना तो ज्यादा अच्छा होगा। कहाँ गवा साहब? नेता, लेकिन ये बताओ कि जब देख रहे हो कि भाभी अगर घर में गई है, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कम से कम तुम्हें तो रहना चाहिए, और जो कोई आकर आता है तो उसे पूछना चाहिए कि आखिर में काम क्या है, किसलिए आए हो, किससे मिलना चाहते हो, ये सब तो जरूरी है। भैया भौजी हमका भेजे रहे कहीं जा देवर बच्चा खाती के दवाई लेते आवा, वही हम चला गए पेली हॉस्पिटल। पेली हॉस्पिटल यार? अरे बिल्कुल पेली हॉस्पिटल। हाँ हाँ भैया, डॉक्टर साहब दे हैं दवाई, तो वह लेके चला है, और का करें। चलो ठीक है, लेकिन अगर भाभी घर में गिली है तो तुम्हें घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, और अगर घर पे जो आता है उसे पूछ लेना कि किससे मिलना चाहते हो, कौन है, कैसा है। सही है भाभी। ये भूजी हो? भूजी ना निकोली, भाभी
मुन्ने कैसे है? मुन्ने तू इनका पराजित मुन्ने को मुझे दो। और आज काफी दिनों के मुन्ने को देख रहे हैं और मुन्ने को देख कर और अच्छे से उसे आज हंसा बुला कर फिर वापस जाऊंगा। हमारे भैया हद्दी हद्दी पागल है। मारे कोड़ों से चमड़ी, अरे वो तेरे